Hello children, our today's topic is chapter 4, God gave me eyes, and this is a poem, subject English. So let's start. What do you use the following for? Aap ye body parts kin cheezon ke liye use karte hain? Okay, so we eyes dekho, first body part kya hai? What is this? This is eyes. We use eyes to see. हम eyes किस चीज़ के लिए use करते हैं? देखने के लिए. Nose किसके लिए use करते हैं हम? Smell करने के लिए, ठीक है. And ear किसके लिए use करते हैं हम? To hear something, सुनने के लिए. Hear के सुनने के लिए हम कानों का use करते हैं, ठीक है. Then tongue किसके लिए? टेस्ट के लिए, ठीक है. देन स्किन हम यूज़ करते हैं टू फील करने के लिए, मतलब महसूस करने के लिए स्किन होता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, रीड दिस पोएम विद मी. ओके, गॉड गेव मी आईज दैट आई माइट सी द वंडर ऑफ अ ब्लॉसमिंग ट्री, my dolly's face, my story book, and how the various creatures look. It means God gave me eyes. God ने मुझे eyes दिया है that I might see, ताकि मैं देख सकूँ the wonder of a blossoming tree. Blossoming tree means जो tree है उसमें कैसे फ्लावर्स खिलते हैं, कैसे न्यू लीव्स आते हैं, ये सब हमारे लिए एक सरप्राइज ही है. मींस ये वंडर है हम लोगों के लिए कि ये जो ट्री है इसमें कैसे लीव्स होते हैं, फिर फ्लावर्स कैसे खिलते हैं, ठीक है. तो इट्स सरप्राइज फॉर अस. ओके, देन ये हम किससे देखते हैं? अपने आइज की हेल्प से ही तो देखते हैं. अगर आइज नहीं होता तो आप कैसे देखते ये ब्लॉसमिंग ट्री, ठीक है. देन माई डॉलीज फेस, मतलब मेरे डॉल का जो फेस है वो मैं किससे देखता हूँ? आइज से. देन माई स्टोरी बुक यानी जब जो स्टोरी बुक होती है उसको हम रीड, हाउ डू वी रीड? विद द हेल्प ऑफ आइज. आइज हमें हेल्प करता है स्टोरी बुक को रीड करने के लिए. एंड हाउ द वेरियस क्रिएचर्स लुक, मतलब वेरियस मीन्स मैनी, यानी इतने सारे जो क्रिएचर्स हैं वो कैसे दिखते होंगे, वो हम कैसे देखेंगे? आई से तो देखेंगे. क्रिएचर्स का मीन्स जितने भी लिविंग बींग होते हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, इसमें प्लांट्स इंक्लूड नहीं होते. क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये जो सारे होते हैं ये कैसे दिखते होंगे, ठीक है. तो ये सब हम किससे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ आइज. अगर गॉड हमें आइज नहीं देते तो हम ये सब नहीं देख पाते. ओके, नेक्स्ट, गॉड गेव मी ईयर्स दैट आई माइट हियर द लाफ ऑफ ब्रुकलेट्स रिंगिंग क्लियर, माय किटन्स पर अ वायलिन, एंड मदर व्हेन शी कॉल्स मी इन. इट मीन्स God gave me ears. God ने हमें क्या दिया? Ears दिया. Ears, कान. That I might hear, ताकि मैं सुन सकूँ. क्या क्या सुन सकूँ? The laugh of brooklets ringing clear. Brooklets means small stream, जो झरना होता है ना, यहाँ पे झरना का जो sound है, small, ये sound of a small stream है, वो बज रही है, उसका आवाज़ सुन सके वो, ठीक है. माय किटन्स पर, यानी कि मेरी जो किटन है, किटन इज कैट का बेबी, ठीक है. किटन का पर, यहाँ पर का मीन्स क्या है? टू मेक अ लो साउंड, धीरे धीरे जो किटन्स गुर्राती है धीरे धीरे, क्योंकि वो हैप्पी है इसलिए वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसको मैं सुन सकूँ. अ वायलिन, यानी एक वायलिन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको भी मैं सुन सकूँ. वो कैसे सुनेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ ईयर से ही तो आप सुनोगे. एंड मदर व्हेन शी कॉल्स मी इन, और जब मेरी मॉम मुझे बुलाएंगी अंदर, तो वो भी कैसे सुनोगे? ईयर से ही तो सुनोगे. ईयर्स नहीं होगा तो कैसे सुनोगे? तो गॉड गेव मी ईयर्स
टू हियर दीज थिंग्स. ओके, नाउ गॉड गेव अ टंग दैट आई माइट नो द फ्लेवर ऑफ ऑल फ्रूट्स दैट ग्रो, द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम द बी एंड गुड थिंग्स मदर कुक्स फॉर मी. इट मीन्स गॉड गेव अ टंग, गॉड ने हमें क्या दिया, टंग दिया, टंग दैट आई माइट नो, ताकि मैं जान सकूँ. टंग मीन्स जीभ. आई माइट नो, मैं जान सकूँ क्या, द फ्लेवर ऑफ ऑल फ्रूट्स दैट ग्रो, मतलब जो फ्रूट्स ग्रो होते हैं, जो फ्रूट्स उगते हैं, उसके जो फ्लेवर है यानी टेस्ट को मैं जान सकूँ. वो टेस्ट कैसे जानोगे, जब टंग होगा तभी तो पता चलेगा आपको कि वो फ्रूट्स किस टेस्ट का है. मैंगो का डिफरेंट टेस्ट होता है, एप्पल का डिफरेंट टेस्ट होता है ना. देन द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम द बी. हनी हमें कहाँ से मिलता है, बी से मिलता है. हनी मधु होता है, ठीक है, शहद. तो शहद का टेस्ट भी आप कैसे पता चलेगा, जब आपके पास टंग होगा तभी तो पता चलेगा ना. द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम द बी, बी से मिलता है हमें हनी. एंड गुड थिंग्स मदर कुक्स फॉर मी, और मेरी मम्मा जो मेरे लिए अच्छे अच्छे टेस्टी डिलीशियस फूड बनाती है, उसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ टंग ही तो टेस्ट करूँगा, ठीक है. देन I thank you God for making me so that I hear and feel and see. It means I thank you God, मतलब मैं God को thank you करता हूँ, thank you बोल रहा हूँ for making me so that I hear and feel and see. मतलब मुझे सुनने के काबिल and महसूस कर सकूँ, मैं देख सकूँ, ये सब चीज़ मैं कर सकूं, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉड को थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है. सो इट मीन्स आई एम थैंकफुल टू द गॉड दैट ही हैज़ गिवन मी ऑल द सेंसिंग ऑर्गन्स सो दैट आई कैन हियर फील एंड सी. इट मीन्स गॉड ने जो भी मुझे सेंसिंग ऑर्गन्स दिया है, उसी वजह से ही तो मैं हियर कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ एंड सी कर पा रहा हूँ, मीन्स सुन पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ एंड देख पा रहा हूँ. सो आई एम थैंकफुल टू द गॉड. ओके, एंड सिंस दीज गुड थिंग्स कम फ्रॉम यू, मतलब ये जितनी भी गुड थिंग्स हैं, ये जो अच्छी थिंग्स हैं, ये किसने दिया हमें, गॉड से ही तो आई है. गॉड कम फ्रॉम यू, आई विल यूज देम एज यू वॉन्ट मी टू. वो पोइट क्या बोल रहा है, मैं इसको, जो गुड थिंग्स आपने मुझे दी है, मैं उनको वैसे ही यूज़ करूँगा जैसे आप चाहते हो, ठीक है. सो ओके चिल्ड्रेन, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल. एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय ऑलिव बर्ट. ओके, नाउ लेट्स सी वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट माइट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मतलब जो पॉसिबल है, जो समथिंग इज पॉसिबल इज माइट. ओके, नेक्स्ट वंडर, टू थिंक क्यूरियसली, मतलब कोई चीज़ को जब सरप्राइजिंगली हम उसको देखने के लिए सोचते हैं, दैट इज वंडर. ओके, देन वेरियस, वेरियस मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारा. फोर्थ ब्लॉसमिंग मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. देन फिफ्थ क्रिएचर्स, एनीथिंग दैट लिव्स एक्सेप्ट प्लांट्स. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्रिएचर्स मीन्स अ लिविंग बींग, मीन्स एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये सारे इसमें होते हैं, बस प्लांट्स को छोड़ के, प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है. देन सिक्स्थ ब्रूकलेट, ब्रूकलेट मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, झरना, झरना टाइप. ओके, देन सेवेंथ पर, टू मेक अ कंटिन्यूस क्वाइट लो साउंड, मतलब एक कंटिन्यूस धीरे धीरे से एक साउंड आना, जो किटन्स ही मोस्टली करते हैं, ठीक है.
धीरे धीरे गुर्राना बिकॉज इट इज़ हैप्पी, क्योंकि वो खुश होते हैं इसलिए. देन एट्थ फ्लेवर डैट इज़ टेस्ट, फ्लेवर का मतलब टेस्ट. नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड इन द पोयम इज़ थैंकिंग गॉड फॉर, मतलब कौन कौन सी चीज़ थे जिससे जो चाइल्ड था पोयम में वो गॉड को थैंक कर रहा था, वो बहुत थैंकफुल था, क्या क्या थे वो. द चाइल्ड इन द पोयम इज़ थैंकिंग गॉड फॉर गिविंग हिम सेंसिंग ऑर्गन्स, जो उसको सेंसिंग ऑर्गन्स दिया है गॉड ने उसके लिए वो थैंकफुल था, लाइक आईज ईयर्स एंड टंग. ओके, नाउ क्वेश्चन टू, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड इन द पोयम कैन सी. आपको वो चीज़ लिखना है यहाँ पर जो वो पोएट था वो देख रहा था विद द हेल्प ऑफ आइज, वो कौन कौन से थिंग्स थे. द चाइल्ड कैन सी द वंडर ऑफ अ ब्लॉसमिंग ट्री, डॉलीज फेस, स्टोरी बुक एंड वेरियस क्रिएचर्स ऑफ नेचर, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था. वाई डज द चाइल्ड से आई यूज देम एज यू वॉन्ट मी टू, चाइल्ड ने ऐसा क्यों बोला था कि मैं इनको ये जितने भी सेंसिंग ऑर्गन्स आपने दिए हैं मैं आपको वैसे ही यूज़ करूँगा जैसे आपने आप जैसे आप चाहते हो, ऐसे गॉड को क्यों बोला था चाइल्ड ने. बिकॉज द चाइल्ड सेज दीज वर्ड्स बिकॉज ही इज़ थैंकफुल टू द गॉड, वो गॉड को क्या था, गॉड के लिए क्या थैंकफुल था, बहुत ज़्यादा थैंकफुल था फॉर गिविंग हिम गुड थिंग्स, जितनी भी गुड थिंग्स थी अच्छी आदतें गॉड ने उसको दी थी उसके लिए वो गॉड को थैंकफुल थैंक था, बहुत मतलब थैंक यू बोल रहा था, ठीक है, थैंकफुल था वो. सो बेटा आपको ये वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है. एंड ये मैच द कॉलम अभी बताते हैं मैं आपको, रुको बताती हूँ. नेक्स्ट पेज डेट इज सी मैच द कॉलम्स. आपको ये हेयर टू कॉलम्स आर गिवन, एक में पिक्चर बना हुआ है बॉडी पार्ट सेंसिंग ऑर्गन्स का और सेकेंड में दिया है कि हम उस बॉडी पार्ट से क्या करते हैं. देन फर्स्ट इज नोज, वी यूज नोज टू स्मेल. नोज को हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्मेल करने के लिए, दिस इज स्मेल. ओके, देन आइज, आइज टू सी, देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए हम आइज का यूज़ करते हैं. देन ईयर, ईयर किस लिए यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ ईयर, टू हीयर, सुनने के लिए, हीयर करने के लिए, सुनने के लिए. देन टंग, टंग वी यूज़ इट फॉर टेस्ट, टेस्ट टू टेस्ट समथिंग, टेस्ट करने के लिए. देन स्किन, स्किन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, फील करने के लिए, महसूस करने के लिए. नाउ मैच द कॉलम्स यू आर सपोज टू डू इन योर बुक ओनली एंड वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर इंग्लिश नोटबुक में करेंगे एंड मैच द कॉलम्स बुक में. ओके, थैंक यू.